हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार की पैनल लाइट को किस प्रकार से ठीक किया जाता है। यह जब खराब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं जलती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत है, इसमें पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इस प्रकार की लाइट को किस प्रकार से रिपेयर हम कर सकते हैं घर पर भी, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। कोई भी एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे और बिल्कुल फ्री के अंदर इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। इस प्रकार की ये पैनल लाइट आती है, जो कि दो पैनल लाइट हमारे पास आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। तो इसको किस प्रकार से रिपेयर करते हैं ये मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो देखिए, ये भी सेम लाइट है, सेम ये 30 वाट की एलईडी लाइट है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम दोनों लाइटों को अभी ऑन करके मैं आपको बता देता हूँ कि ये जलती है या नहीं। ये है एक पावर सप्लाई का बोर्ड और इसमें देखिए, आपको सप्लाई चेक करवा देता हूँ कि कितने इसको वोल्टेज पर सेट कर लेना है। और यह नहीं भी है तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई आ रही है 226-27 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस एलईडी लाइट को हम इसके अंदर लगाते हैं और देखते हैं कि यह जलती है या नहीं। इसमें ध्यान रखना है कि ये ग्रीन कलर वाला जो वायर है ये अर्थिंग के लिए होता है, इसको छोड़ देना है। बाकी इन दो वायरों को सप्लाई के अंदर लगाना है। जैसे सप्लाई के अंदर लगाते हैं तो देखिए, बिल्कुल स्लो स्लो जलती है। एक बार जलती है, देखिए जैसे ही मैं निकाल देता हूँ, निकाला है, और जैसे ही वापस लगाऊंगा ये एक बार जलती है और फिर इतना धीरे धीरे जलती हुई नज़र आती है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से जलती हुई दिखाई देती है और अब बिल्कुल भी ऑफ हो गई है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से जलती है। अब चलिए इसको साइड में करते हैं और इसको बताते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसको भी सेम चेक करना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रही है, बिल्कुल ऑफ है, एक बार भी ये नहीं जल रही है। और दोनों में क्या क्या दिक्कत निकलती है ये जानना है तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव रहता है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो कुछ देखिए, इसमें से कोई भी लाइट को हम ओपन करते हैं और उसके बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले ये बिल्कुल भी नहीं जल रही है और ये एक थोड़ा बहुत जल रहा है, कुछ एलईडी नहीं जल रही है और इसके कारण सारी एलईडी ऑफ रहती हैं और ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और ये तो बिल्कुल भी ऑफ है, यानी कि लाइट कोई भी लाइट बिल्कुल भी नहीं जलती है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसी को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए, मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है और आपके सामने डिटेल के अंदर बताऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, घर पर ही आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चार स्क्रू लगे रहते हैं, इनको आपको हटा देना है, इसको ओपन करना है। तो फटाफट से मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद में नीचे का जो कवर है ये यहाँ पर रह जाता है, ये यहाँ पर नीचे का कवर रह जाता है। और उसके बाद में ये देखिए, ये इस प्रकार से कुछ ओपन हो जाती है। तो इसको साइड में रख देना है, उसके बाद में देखिए हमें इसमें पता लगाना है दिक्कत कहाँ पर है। तो इस पर पता लगाने के लिए ये जो चार स्क्रू लगे हैं इसको भी हमको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको भी फटाफट से ओपन कर देते हैं। फाइनली हमने सारे नट बोल्ट निकाल दिए हैं, उसके बाद में ये जो ऊपर का कवर है इस प्रकार से निकल जाता है। उसके बाद में ये आपका जो एलईडी लाइट है ये इस पर लगी रहती है पैनल पर। तो इसको हमें चेक करना है कि किस प्रकार से, क्या ये ड्राइवर ख़राब है या फिर ये जो एलईडी पैनल है ये ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए तो इसको इस सब पावर सप्लाई के अंदर इस लाइट को लगाना है, और लगाने के बाद में क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करना है आपको। तो देखिए, यहाँ पर डीसी वोल्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर से जो सप्लाई निकलती है वो डीसी के अंदर निकलती है। तो इसको डीसी वोल्टेज के अंदर ही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले देखते हैं कि ये ड्राइवर तो ख़राब नहीं है। ड्राइवर ख़राब होगा तो हमें इसे ही चेंज करना पड़ेगा, इसको रिपेयर नहीं करना है और इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्लैक को ब्लैक पर लगाना है और रेड को रेड पर लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए 40 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसमें 40 वोल्ट आने चाहिए। तो देखिए, इसमें कम से कम 40 वोल्ट दिखाता है, तो इतने ही आने चाहिए, तब तो ये ड्राइवर बिल्कुल सही है। यदि आपकी 30 वोल्ट की एलईडी पैनल लाइट है तो यहाँ पर
40 वोल्ट दिखाएगा। तो ये ड्राइवर तो कंफर्म हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसको इधर रखते हैं और इसको चेक करने के लिए देखिए, बिल्कुल कमाल की ट्रिक बताऊंगा मैं चेक करने की। सिर्फ ये वायर का पीस लेना है चेक करने के लिए, और इसको दोनों तरफ से इसका पीवीसी हटा लेना है। और सबसे पहले क्या करना है आपको, जितनी भी एलईडी है कोई सी भी बिल्कुल भी नहीं जल रही है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के जो टर्मिनल है इसको शॉर्ट करना है प्रत्येक एलईडी के। तो जिस भी एलईडी में ये दिक्कत होगी, उस एलईडी पर जब भी शॉर्ट करेंगे आप, तो ये पैनल लाइट जलने लगेगी, और उसको आपको सोल्डरिंग आयरन से चिपका देना है। तो इसमें देखिए टोटल 60 एलईडी लाइट लगी है, जो ये छोटी छोटी लाइटें नज़र आ रही हैं आपको, ये टोटल 60 लाइटें इसमें लगी हैं। तो इसमें से आपको देखिए, ये छः लाइट एक साथ लगी हैं, इनमें से किसी एक को आपको शॉर्ट कराना है, और उसके बाद में इससे अगले वाले किसी एक को, और ऐसे करते हुए इन सभी सीरीज के अंदर आपको लगी है एलईडी लाइट, इनको शॉर्ट करा के देखना है। यानी कि एक एलईडी लाइट का दोनों साइड वाला सिरा आपस में शॉर्ट करना है। तो देखिए इसके अंदर हम लगाते हैं तो नहीं जला, अब इसके आगे वाले जो सीरीज है इसके अंदर हम शॉर्ट करते हैं, नहीं जले। और इसके बाद में इस आगे वाले के जो दोनों टर्मिनल है इसको शॉर्ट करते हैं, तो भी हमारी लाइट नहीं जलती है। तो फिर इसके आगे वाले टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, फिर भी लाइटें ऑन नहीं हुई है। तो ऐसे करते हुए आपको आगे चलते जाना है। तो देखिए इस लाइट को जैसे ही हम शॉर्ट करते हैं, तो हमारा सारा पैनल काम करता है और अच्छे से जलता है। सिर्फ यह जो शॉर्ट करते हैं ये लाइन नहीं जलेगी, बाकी सारी जो टोटल एलईडी है वो जलेगी। तो कोई बात नहीं, ये एक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एलईडी पैनल है वो वैसा ही काम करेगा जैसा पहले करता था, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत रोशनी कम हो सकती है। तो इसको देखिए, आपको इस प्रकार से देखिए दोबारा हम दिखा देते हैं। तो इसको शॉर्ट करना है, देखिए इसको जैसे ही शॉर्ट करते हैं आपका एलईडी लाइट काम करता है। तो इस प्रकार के एलईडी लाइट को आप सिंपली बिना किसी इन्वेस्ट के आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए सावधानी पूर्वक आपको लगाना है। तो देखिए जैसे ही इन एलईडी को हम ऐसे शॉर्ट करते हैं, तो ये आसानी से जलने लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एलईडी लाइट है इनको शॉर्ट करना है, इनमें से किसी एक को शॉर्ट कर देना है, जो ये लाइन है ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम सोल्डरिंग आयरन से इनको इस छोटे वायर का टुकड़ा लेते हैं जैसे इतना, इसको इसके ऊपर शॉर्ट कर देते हैं, या फिर इस एलईडी लाइट को निकाल कर यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं, तो ये आसानी से काम करने लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद में बताते हैं आपको यह काम करता है नहीं। तो इसको सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पावर सप्लाई से इसको हटाना होता है, इसको हटा लीजिए, उसके बाद में इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या करना है आपको, सोल्डरिंग आयरन जो भी है आपके पास ये ले लेना है, या फिर आपके पास नहीं है तो मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकान से आपको सोल्डरिंग करवा लेना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई में लगा देते हैं सोल्डरिंग को, अब इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं इस पर सोल्डरिंग कर देते हैं। इस प्रकार का वायर आता है और पेस्ट भी आता है, उसको लगाकर यहाँ से अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए सिंपली हमने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दिया, यानी एक एलईडी को निकाल दिया है पूरी तरह से, और आपस के अंदर टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, और बीच के अंदर कहीं से भी सोल्डरिंग हो जाता है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि दिक्कत ना करें। तो यहाँ से जो बीच से दोनों एलईडी को फ्री कर देते हैं, और ये जो एक एलईडी लाइट है ये गलती से यहाँ से डैमेज हो गई थी, तो इसको भी निकाल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इग्नोर करना है। तो इस सीरीज की जो लाइट थी ये वाली, इसको सोल्डरिंग करना था, यानी कि आपस के अंदर अटैच करना था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने अटैच कर दिए, देख लीजिए, यानी कि एक लाइट को प्लायर की सहायता से पूरा ही निकाल दिया है, कटर की सहायता से
और उसके बाद में क्या करना है, इसके दोनों टर्मिनल आपस के अंदर सोल्डरिंग कर देने हैं, यानी कि कोई वायर का पीस भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी एलईडी को आपको कुछ भी नहीं करना है और बाकी ये पैनल ठीक हो जाएगा। तो अब फाइनली इसका टेस्ट करते हैं कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं, तो इसको लगाते हैं इसमें। तो देखिए देखिए, ये आसानी से ग्लो कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से चलता रहेगा जैसे नया नया था, वैसे ही अब काम करता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आसानी से चलता है। कैमरे पर आपको ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रियल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आसानी से काम कर रहा है। तो इसको देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए आसानी से काम कर रहा है इस प्रकार से, देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी रोशनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद में आप इस पैनल की भी वीडियो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, रिपेयर होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको भी रिपेयर करके मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या दिक्कत निकलती है। और सबसे ज़्यादा अधिकतर यही दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, बाकी अन्य दिक्कत आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से इसको ओपन किया था उसी प्रकार से इसको जैसे पहले था वैसे ही इसकी फिटिंग करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर लगा देना है, ध्यान रहे यहाँ पर सोल्डरिंग से ये अटैच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो सबसे छोटे वाले स्क्रू हैं, ये चार स्क्रू इसके अंदर लगाने हैं, उसके बाद में इसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है उसको आपको इंस्टॉल कर देना है। तो ये आपका रिपेयर होकर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसको इस प्रकार से आपको फटाफट से फिटिंग कर देना है, और फिटिंग करने के बाद में फाइनली इसके टेस्टिंग हम आपको दिखा देंगे। कंप्लीट फिटिंग के बाद में आपको फाइनल टेस्टिंग करके दिखा देते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही लगाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से अच्छे से काम करता है जैसे पहले करता था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छे से काम कर रहा है। तो आप भी इस प्रकार से कोई भी एलईडी लाइट को रिपेयर कर सकते हैं आसानी। इस दूसरी वाली एलईडी लाइट को भी रिपेयर का वीडियो देखना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत निकलती है। दोनों में पहले सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन अंदर ड्राइवर भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अभी से बता दें, क्योंकि अगला वीडियो इसी के ऊपर आ जाएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी, और आप इस प्रकार से रिपेयर कर देंगे तो ये दोबारा से ये दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। और यदि इसका ड्राइवर ख़राब है या इसकी ये पूरी पैनल ही ख़राब हो गया है, तो इसको किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं और ये कहां पर मिलेगा, ये यदि ऑनलाइन मिल जाता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और इस एलईडी लाइट को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।